अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर डे एंड द ब्यूटीफुल व्लॉग। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का हम अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं जी शाम से, क्योंकि आज सुबह से कुछ नहीं किया, बस काम था बहुत सारा एडिटिंग वाला, वो सारा खत्म किया है। और आज रात को एक शादी में जाना है, कल वाला व्लॉग देखा होगा तो उसमें मेहंदी में गए थे, बहुत छोटा सा व्लॉग था। आई डोंट थिंक कि आज भी कोई इतना लंबा व्लॉग बनेगा कुछ होगा, लेकिन क्या जो भी सीन होता है वो सारा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मैं नीचे जाती हूँ जल्दी से, अपने कपड़े निकालती हूँ। जारा अभी जो है वो खेल रही है अम्मी के साथ, और वसीम ऑलरेडी एक दावत में गए हुए हैं। अब्बू, मैं और अम्मी ने जाना है और साथ में जारा ने जाना है। अपने कपड़े निकालती हूँ कि क्या पहनना है, अम्मी के देखते हैं और फिर जो भी व्लॉग होता है शेयर करते हैं। व्लॉग पसंद है तो लाइक एंड अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। चलें जी स्टार्ट करते हैं। आजकल जो है ना वो बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो गए हैं, और डार्क सर्कल जब भी मुझे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो मैं क्या यूज़ करती हूँ, मैं आप लोगों को आज दिखाती हूँ। आवाज़ कम करना यार थोड़ी। मैं यूज़ करती हूँ ये सीरम, ठीक है, और ये मेरी सेकेंड बॉटल है। ओ क्या गया 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 शिट गाइज, ये सीरम सारा मेरा यहाँ पे गिर गया है, ठीक है, और ये मैंने नया मंगवाया था, मेरा सारा पाँव में भी गिर गया है और ये सीरम सारा टूट चुका है। और चलें कोई बात नहीं, जाओ इसको साफ करो, लेके आओ कोई कपड़ा। अच्छा, ये वो सीरम है जिसका मैं आप लोगों को बता रही थी, बहुत अच्छा सीरम है डार्क सर्कल्स के लिए, आपकी आइज़ की पफिनेस को भी दूर करता है, रिंकल्स होने से भी बचाता है। ये इनका नंबर है, नंबर और लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, आप लोग वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब मैं दोबारा, मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा क्योंकि ये बॉटल मेरी ख़त्म हो गई है और दूसरी मेरी यहाँ पे टूट गई है, तो ये बेस्ट सीरम है फॉर डार्क सर्कल्स। चलें जी नया मंगा लेंगे, कोई बात नहीं। और साथ में ये लिप बाम, ये तो लाइफ सेवर है, बहुत अच्छी है, सर्दियों में बहुत अच्छा काम करती है, गर्मियों में भी। तो अभी बस मैंने ये अप्लाई की थी, ये भी इनसे ही मंगवाई थी मैंने, बहुत अच्छी है, मैंने कहा चलो बता ही दूँ आजकल। और ये तो ज़ारा की सूट है। अच्छा, इसको आपने डेली रात को फेस वॉश करना है और इस तरह से अप्लाई कर लेना, 1, 2, 3। अब इसमें से बहुत हल्का हल्का निकल रहा है क्योंकि मेरी बॉटल ख़त्म हो गई थी, तो इस तरह इसकी इजी टू अप्लाई की एप्लीकेशन है, बस आपने इसको लगाना है और 15 डेज में इसके आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे यू गाइज विल लव इट। आपके डार्क सर्कल्स भी कम होंगे और रिंकल्स भी कम होंगे, पफिनेस भी कम होंगी, बहुत अच्छा सीरम है। अब इसमें से देखते हैं कौन से कपड़े, ये वाले मैंने एक निकाले हैं, ठीक है, कि ये पहन लेती हूँ, सिंपल सा भी है ये देखें और डिसेंट सा भी है, तो मेरे ख्याल से यही पहन लेती हूँ, अच्छा भी लग रहा है। और एक ये वाली फ्रॉक भी है, दिखाती हूँ मैं, ये देखें, समझ नहीं आ रहा अभी ये पहनूँ के पहनूँ। ये हमने ज़ारा के कपड़े निकाल लें, ज़ारा को ये पहना देती हूँ, अभी तक उसने कहीं आते जाते पहनी भी नहीं है। अम्मी आ वाला, ये आ वाला सही, ब्लू वाला ग्रीन, ये बिल्ले वाला बहुत सुना लगने आगे पाए नहीं। हाँ पाए, कितने पाए थे आ वाला, ईद तो नहीं पाए से एक दफा आगे आगे लाइट आगे आ कौन थे आ वाला अभी तो लग रहा ना कभी और आ बहुत सुना लगने देख किसकी। चलें जी, हम लोगों ने ये वाला ड्रेस निकाला है, हर चीज़ आज हाथ से गिरी जा रही है, ये वाला पहनते हैं। और ये मुझे गिफ्ट मिला था, जैनी ने दिया था, चलो जी ये वाला पहनते हैं आज। और ये ज़ारा का है, और सबसे पहले मैं ज़ारा का ज़रा बैग को पैक कर लूँ। चलें जी, सारा सामान लेके हम लोग ऊपर आ गए और रेडी होना शुरू होते हैं। जूता सीधा करो। चलें जी, मेकअप वगैरह शुरू करते हैं और तैयार होते हैं। अच्छा जी, रेडी मैं यहाँ पे हो गई हूँ, ये है मेरा फुल लुक, ठीक है, और साथ में मैंने आज पिंस लगा ली है, मेरे पास ये रखी हुई थी फैंसी, वैसे तो यूज़ होती नहीं है तो मैंने ऐसे यूज़ कर ली। ये है फाइनल मेरा आउटफिट, सिंपल सा, यूनिक सा, ठीक है। अब मैं नीचे जाती हूँ, जाके अम्मी और ज़ारा को रेडी करना है, तो लेट्स गो। ज़ारा जान रेडी कर दूँ आपको, इधर देखो ज़ारा, ज़ारा हेलो हेलो हेलो, रेडी कर दूँ, ये मुझे दे दो, ये मामा को दो, ये मामा को दो, आपको रेडी कर दूँ। अच्छा लो, मम पी लो, मम पी लो। इस लड़की को अभी से कोल्ड ड्रिंक पीने का क्यों, अभी से। चलो कपड़े चेंज करूँ, मैं आपको रेडी करूँ, चलो। हमें जाने से पहले बहुत भूख लग रही है तो मैं खा रही हूँ यहाँ पे कपकेक, ज़रा आप खाओगी? अच्छा मैं देती हूँ कोल्ड। जाने से पहले ज़ारा का खाना बना के ज़ारा को खिला, ज़ारा को खाना खिलाते हैं। ज़ारा
क्या कर रही हाँ सब पता है तुझे खाने का टाइम ना मैं मस्ती करूँ करो ओपन योर माउथ चलो इधर देखो ये ले लो जारा खाना खिला के फिर इसको रेडी करेंगे फिर हम लोग शादी में जाएंगे है ना चलो कैमरा बंद कर दो वरना इसने खाना नहीं खाना जाओ चालू बेटा ये मुझे दे अब इसके साथ खेलेंगे ममती अब ममती है ये मामा को दे दे दारा प्लीज फोन ही करवा लो डेली रोती हो ये लो मम पी लो अच्छा ये ले इतना कुछ रखा है पर नहीं करवा रही इतनी मुश्किल से इस बच्ची ने फोनियां करवाई है ना रो रो के कि नहीं करवानी उल्टी सीधी करवाई है अब कह रही है मुझे ये चाबी दो इसके साथ खेलूं इतने टॉयज रख दिए इसके साथ खेल लो ये ले लो देखना अच्छी बली हो जाए अच्छा ये ले लो रो नहीं और नहीं रो चलो चलें जी हम लोग निकल पड़े घर से शादी में जाने के लिए और डायरेक्टली आप लोगों को मिलते हैं शादी पे जाके और यहाँ पे आप लोगों ने इंतज़ार किया और हम लोग पहुँच गए डायरेक्टली शादी पे आती ज़ारा जो है वो थोड़ी सी तंग हो रही थी और उसको भूख लग रही थी तो थोड़ा सा उसको फीडर पे लाया क्योंकि सिरलैक आज उसने अपने शौक से नहीं खाया था और फिर हम लोग यहाँ पे जो है ना वो एक हिंदू वेडिंग थी जो है वो फैमिली फ्रेंड्स हैं उन लोगों की और वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे आने के लिए तो इसलिए हम लोग जो है वो चले गए मैंने जब इंस्टा पे स्टोरी लगाई तो मुझे मैसेज आए कि एक दो मैसेज आए कि आप जो है वो हिंदू वेडिंग में गई हम आपको अनफॉलो कर रहे हैं तो देखिए हमें जो है ना वो हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ठीक है ना बहुत सारे जो है वो नॉन मुस्लिम हमारी वेडिंग्स में भी तो आते हैं ना तो हम उसमें चले जाएंगे तो मसला थोड़ी और यहाँ पर ज़ारा जो है वो फुल इन्जॉय करी थी तो हमेशा पॉजिटिव वाइब्स अपने इर्द गिर्द फैलाया करें बजाय इसके कि आप लोग नेगेटिविटी जो है वो पूरी दुनिया में फैला रहे हैं और उसके बाद फिर जो रस्में वगैरह ज़ारा ने माशाल्लाह यहाँ पे खूब इंजॉय किया फिर बारात वगैरह आ गई थी और ये जो है वो दूल्हे की जो यहाँ की रस्में होती हैं वो चल रही थी और फिर थोड़ी देर बाद इन लोगों ने डांस वगैरह किया हम लोगों ने इंजॉय किया देखा और उसके बाद फिर खाना लगा दिया था अच्छा हम लोग टीवी में देखते ना ये बहुत जल्दी जल्दी फेरे हो जाते हैं इनके फेरों में काफ़ी टाइम लगता है लाइक पहले तो इतनी देर अभी यहाँ पर ये सब लोग जो है ना वो पूरा एक वो जो बनाया होता है पता नहीं उसको क्या कहते हैं मंडत या पता नहीं क्या ही कहते हैं सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो ये जो फेरों वाला होता है ये और इसको फिर जलाया इसमें काफ़ी देर इन लोगों ने वो आधा घंटा लगाया फिर अभी इनके फेरे स्टार्ट नहीं हुए थे बस हम लोग आ गए डॉल घर आ गई डॉल आ गई डॉल घर आ गई डॉल चलो डॉल तो बैठो अब हम लोगों के साथ खेलो ये लो खेलो इसके साथ मैं जगह चेंज कर फिर आपको चेंज करती हूँ चलो जी उतारे पेंस वगैरह और चेंज करें अच्छा ज़ारा को मैंने सुला दिया है अभी मैं करने लगी हूँ बालों की ऑयलिंग और मैं ये वाला ऑयल आजकल यूज़ कर रही हूँ बड़ा ज़बरदस्त है बहुत बेहतरीन है ऑयलिंग वगैरह करते हैं थोड़ी स्किन केयर करते हैं मेकअप वगैरह रिमूव कर लिया है और इसी के साथ ये ब्लॉग एंड करते हैं ब्लॉग पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा हाफिज़।